हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है इंजुरिया साइन डैमनम, जो इसेंशियल ऑफ टॉर्ट इस चैप्टर में आती है। इस मैगजीम का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है या किसी को कानूनी कोई राइट है उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसका लॉस हो या ना हो वो उसको नुकसान भरपाई मिलेगी। तो यही सारा कंसेप्ट इस मैगजीम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केस लॉस के एग्जांपल के साथ आज हम डिस्कस करेंगे इस मैगजीम को, इंजुरिया साइन डैमनम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंजुरिया साइन डैमनम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पिछले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया टॉर्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। इसेंशियल में ही एक सेकंड इसेंशियल जो हमने डिस्कस किया था, लीगल डैमेज, जिसका मतलब लीगल राइट का उल्लंघन होता है। वो लीगल राइट के उल्लंघन को ही इस मैगजीन में डिस्कस किया गया है इंजुरिया साइन डैमनम में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरिया मींस वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। तो इंजुरिया का मतलब क्या होता है? वायोलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का उल्लंघन। किसी के जो लीगल राइट है, जो लॉ ने दिया हुआ उसको अधिकार है, वो अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, वो अधिकार का अगर हनन करता है कोई, तो वो लायबिलिटी होगी। तो इंजुरिया का पर्टिकुलर, इंजुरिया का मतलब क्या हो रहा है? लीगल राइट के उल्लंघन। साइन का मतलब होता है, साइन मींस विदाउट और इन अब्सेंस ऑफ, साइन का मतलब होता है विदाउट, बगैर, है ना, और इन अब्सेंस ऑफ। डैमनम का मतलब होता है मींस डैमेज और लॉस, फिजिकल और मेंटल। डैमनम का मतलब क्या है? नुकसान, चाहे वो फिजिकल इंजुरी हो, चाहे मेंटल हो या कोई और हो। मतलब अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे फिजिकली कोई इंजुरी होती है, मुझे कट लग गया फॉर एग्जाम्पल, या मेरा हार्ट टूट गया किसी के एक्ट के वजह से, तो वो नुकसान में ही आएगा। मेंटल शॉक, अगर कुछ ऐसा देख लिया मैंने जिसके वजह से एकदम मुझे मेंटल शॉक हो गया, तो ये भी क्या आ गया? ये भी नुकसान में ही आएगा। तो इन टोटल अगर हमको देखना है तो यहां पर क्या होगा कि अगर इन टोटल इंजुरिया साइन डैमनम का अगर हमको मतलब देखना है तो वो है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट लॉस। मतलब लीगल राइट का उल्लंघन तो हुआ बगैर किसी नुकसान के, समझ रहे हो? मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ लेकिन मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तब भी मुझे नुकसान भरपाई मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट में जरूरी क्या है? लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। जो कानून ने दिया हुआ अधिकार है आपको, अगर वो अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको नुकसान भरपाई मिलेगी, चाहे आपको नुकसान हो या ना हो। इन सच अ केस द सूट इज मेंटेनेबल इवन विदाउट, even though the plaintiff suffers no damages। तो अगर मेरे लीगल राइट का उल्लंघन होता है, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं, एक रुपये का भी अगर मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ तो मुझे नुकसान भरपाई मिलेगी, मैं कोर्ट के सामने सूट फाइल कर सकता हूँ और कंपेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर टॉर्ट में किसी को कंपेंसेशन चाहिए तो उसे क्या प्रूफ करने की जरूरत है? उसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, ये प्रूफ करने की जरूरत है। और वो अगर वो प्रूफ करता है तो लॉस हो या ना हो उसे कंपेंसेशन मिलेगा। देखिए, ये इस केस लॉ में कोर्ट ने उस इंजुरिया साइन डैमनम, इस लैटिन मैक्सिम को अप्लाई किया था अजबे वर्सेस वाइट में। तो अजबे वर्सेस वाइट केस में क्या था? एक वोटर था जो क्वालिफाइड वोटर था। अब क्वालिफाइड वोटर किसको कहेंगे? टू बी क्वालिफाइड वोटर उसको कहेंगे अगर जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, 18 साल का पर्सन है तो वो वोटर बनने के लायक है। दूसरा, उसका नाम जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें होना जरूरी है, जिसको हम इलेक्ट्रोल रोल कहते हैं, इलेक्शन की यादी में नाम होना जरूरी है, और उसके बाद इलेक्शन आईडी होना जरूरी है, 18 साल की एज होना जरूरी है। तो ये जो प्लेंटिव था, जो इमेज में देख रहे हो वोटर, वो क्वालिफाइड था, मतलब उसकी 18 साल उम्र भी थी, उसका इलेक्ट्रल रोल में, इलेक्शन यादी में उसका नाम भी था, वो वोट डालने के लिए गया। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर था, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर आप देख रहे हो, ये रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका वोट को क्या किया?
रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन, मतलब कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया, उसका नाम इलेक्शन यादी में होने के बावजूद भी जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने उसके वोट को रिजेक्ट कर दिया, उसको बोला कि आप वोट नहीं डाल सकते। तो डेफिनेटली अगर किसी पर्सन का वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो क्वालिफाइड वोटर है, तो उसका लीगल राइट है वोट डालना। और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जो केंद्र वहां का जो पोलिंग बूथ का जो प्रेसिडेंट था रिटर्निंग ऑफिसर, उसने उसके लीगल राइट का उल्लंघन किया। अब क्या हुआ देखिए कि यहां पर जो वोटर था, वो वोटर जिस कैंडिडेट को वोट डालने वाला था वो कैंडिडेट चुनकर आ गया, मतलब जिसको वोट डालने वाला था वो अगर फॉर एग्जांपल एक वोट से इलेक्शन हार जाता तो नुकसान होता, लेकिन यहां पर जिसको वोट डालने वाला था वो बहुत सारे वोटों से चुनकर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वोटर का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वोटर का लीगल राइट का उल्लंघन हुआ। वोटर ने रिटर्निंग ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और वोटर ने यह प्रूव किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे लीगल राइट का उल्लंघन किया, इसलिए मुझे नुकसान भरपाई चाहिए। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को लायबल ठहराया, ये मैक्सिम अप्लाई किया कोर्ट ने इंजुरिया साइन डैमनम। कोर्ट ने बोला कि यहां पर वोटर के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, भले ही उसको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर लायबल है। और कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को ऑर्डर किया कंपेंसेशन पे करने का वोटर को। तो ये केस था जिसमें इंजुरिया साइन डैमनम अप्लीकेबल किया। दूसरी एक केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस केस में क्या था कि भीम सिंह जो था वो एमएलए था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार था वो। अब हुआ ये कि वो जब असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए जा रहा था, है ना, वो असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए जा रहा था तो उसको जम्मू कश्मीर के पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और इलीगली उसको डिटेन करके रखा। अब बाद में उसको छोड़ भी दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि पुलिस ने अरेस्ट करने के वजह से जो भीम सिंह था एमएलए, वो असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाया। अब मुझे ये बताइए कि अगर एमएलए है तो असेंबली सेशन अटेंड करना उसका लीगल राइट है, मतलब ये हुआ कि पुलिस के अरेस्ट करने की वजह से वो असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाया, पुलिस के अरेस्ट करने की वजह से उसके लीगल राइट का उल्लंघन हुआ जो कि असेंबली अटेंड करना उसका लीगल राइट था। तो यहां पर भीम सिंह ने क्या किया, पुलिस के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि तुम्हारे एक्ट के वजह से मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ और मैं असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाया। अब मुझे यह बताइए कि भीम सिंह असेंबली सेशन अटेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन अटेंड नहीं कर पाने की वजह से भीम सिंह का कुछ लॉस हुआ क्या, मतलब वो असेंबली सेशन में ऐसा कुछ खास बोलने वाला भी नहीं था, असेंबली सेशन तो पूरा हुआ, मतलब क्या हुआ यहां पर भी भीम सिंह के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ लेकिन उसके नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी कोर्ट ने एग्जम्पलरी डैमेजेस ग्रांट किए और जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ऑर्डर किया कि 50,000 रुपये का नुकसान भरपाई भीम सिंह को दी जाए। हालांकि भीम सिंह का लॉस कुछ भी नहीं हुआ था, कोर्ट ने इंजुरिया साइन डैमनम इस मैक्सिम को अप्लाई किया और हेल्ड लायबल टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया। अनदर केस इज मर्जेट्टी वर्सेस विलियम्स। देखिए इस केस में क्या हुआ था कि यहां पर बैंक था, प्लेंटिफ का उस बैंक में अकाउंट था, अकाउंट था, प्लेंटिफ के अकाउंट में सफिशियंट पैसा भी था। प्लेंटिफ ने क्या किया, एक चेक लिखा। अब वो चेक जैसा लिखा उसने बैंक में, वो चेक गया लेकिन बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया। डेफिनेटली देखिए एक चीज है कि अगर मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए और मैं अगर 5 लाख का चेक लिखता हूं तो डेफिनेटली बैंक को वो ऑनर करना ही पड़ेगा, बैंक को वो चेक इनकैश करना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में प्लेंटिफ के अकाउंट में सफिशियंट पैसा होने के बावजूद वो जो बैंक ने क्या किया, उसके चेक को डिसऑनर किया, चेक को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि डेफिनेटली यहां पर प्लेंटिफ के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, प्लेंटिफ का अकाउंट होल्डर होने के वजह से प्लेंटिफ का ये लीगल राइट था कि जब कभी भी वो चेक इशू करे तो उसके चेक को ऑनर किया जाए, उसके अकाउंट में पैसे होने के बावजूद भी उसके चेक को डिसऑनर किया गया। तो यहां पर प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट फाइल किया उस बैंकर के अगेंस्ट में,
तो बैंक ऑफिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि भाई तुम्हारे एक्ट की वजह से मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, मैं क्वालिफाइड अकाउंट होल्डर था और मैं अकाउंट होल्डर होने के बावजूद, मेरे अकाउंट में पैसा होने के बावजूद आपने मेरे चेक का डिसऑनर किया, ये मेरे लीगल राइट का उल्लंघन है। लेकिन मुझे ये बताओ कि चेक को डिसऑनर हुआ, प्लेंटिव के अकाउंट में जितना पैसा था उतना पैसा रहा भी, मतलब प्लेंटिव का नुकसान कुछ भी हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ इस केस में। लेकिन फिर भी कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया, क्योंकि टॉर्ट में लायबिलिटी के लिए जरूरी क्या है? प्लेंटिव के लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। अगर प्लेंटिव के लीगल राइट का उल्लंघन होता है, उसे लॉस हो या ना हो, डिफेंडेंट लायबल रहेगा और प्लेंटिव को कंपेंसेशन मिलेगा। तो ये केस में भी कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया और इस मैक्सिम को अप्लाई किया कोर्ट ने इंजुरिया साइन डैमनम को। तो ये था इंजुरिया साइन डैमनम, वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट लॉस। लीगल राइट का उल्लंघन है, लॉस हो या ना हो, प्लेंटिव को नुकसान भरपाई मिलेगी। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डैमनम साइन इंजुरिया, मतलब लॉस तो है लेकिन लीगल राइट का उल्लंघन नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप कि मैंने जो भी आपको आज के लेक्चर में समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।